हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपको मेरे किचन में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल के मसालेदार सब्जी। तो ये देखिए, कटहल को हमने हल्का सा बॉईल करके ठंडे पानी से धोकर रख दिए हैं और अब हम तेल गर्म होने के लिए कढ़ाई में रख दिए हैं। ये देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सभी कटहल को डाल देंगे। अब हम इसको भूनने के लिए ढक देंगे। ये देखिए, कटहल भून के ब्राउन हो चुका है। तो हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये बिल्कुल पक भी चुकी है और ब्राउन भी हो चुकी है। कटहल अच्छे से तल गया है। तो ये देखिए, हमने दो आलू इसमें डालेंगे। तो इसका सेप हम इस तरह से काटे हैं। इसमें डालेंगे, तेल गर्म नहीं है, हम इसमें डालेंगे एक तेज पत्ता दो टुकड़े में, एक बड़ी इलायची और हम डालेंगे दालचीनी थोड़ा सा टुकड़ा। ये तेज पत्ता हल्का पक चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो ये दो प्याज बड़े बड़े हमने काट कर रखे हैं और हम इसमें डाल देंगे। जो आलू हमने दो आलू काट कर रखे हैं, हम इसको भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, आलू भी हमने फ्राई होने डाल दिए हैं। आप चाहें तो उसी कढ़ाई में उसी तेल में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो हम उस टाइम किए नहीं, तो मदद से कर रहे हैं। फ्राई हो चुकी है, अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, प्याज बिल्कुल भूज कर लाल हो चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे दो कटी हुई टमाटर छोटी छोटी। तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो ये हम डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी कम भी डालिएगा आपको जैसा पसंद हो, तीखा ज़्यादा पसंद हो तो एक चम्मच, वरना पौना चम्मच। और डालेंगे जीरा पाउडर क्वार्टर चम्मच, गरम मसाले तो मसाला थोड़ी देर बाद पड़ती है इसमें। तो हमने सभी मसाले डाल दिए हैं। क्वार्टर चम्मच डालेंगे काली मिर्च पाउडर। अब हम इसमें डाल देंगे भुनी हुई कटहल जो हमने भून कर रख रखा था। ये हमने डाल दिए हैं भुने हुए कटहल और डाल देंगे भुनी हुई आलू जो हमने दोबारा फ्राई करके रखा था। डाल दिए गैस, हमने डाल दिए इसमें। हम इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे, दो मिनट एक मिनट तक भूनेंगे। अब हम इसको एक मिनट तक भूनेंगे। देखिए, मसाले और सब्जियाँ भून चुकी हैं, कटहल आलू दोनों भून चुके हैं। तो अब इसमें हम पानी डाल देंगे। हम किस तरह का मसाला पसंद करते हैं, अगर गाढ़ी ग्रेवी पसंद करते हैं तो कम पानी डालिएगा, तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं जिससे कटहल अच्छे से पक जाए। पानी में थोड़ा डीप होनी चाहिए। तो ये देखिए, मसाले अच्छे से हम इसको दो से तीन मिनट तक ढक देंगे। हम इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक और थोड़ी सी गरम मसाला, क्योंकि इसमें उबाल आ गई है। तो हम इसमें गरम मसाले डाल सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, कटहल बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी धनिया पत्ता। तो ये कटहल बनकर बिल्कुल मसालेदार तैयार है, आलू कटहल की सब्जी। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, आलू कटहल की मसालेदार सब्जी बिल्कुल रसेदार तैयार है।